दोस्तों, हमारे भारत में हॉन्टेड प्लेस की जब बात होती है तो उनमें भानगढ़ किले का नाम जरूर और सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का इतिहास कुछ अजीब है। इस किले का खौफ लोगों में इतना है कि इस किले में लोग दिन में भी जाने से घबराते हैं, और यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि रात के समय में यहाँ जो भी जाता है वह फिर कभी लौट कर वापस नहीं आता है। इसीलिए सरकार ने भी बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में यहाँ जाने से रोक लगाई है। और दोस्तों, खौफ का आलम तो ये है कि रिजेक्टेड एरिया घोषित किए जाने पर भी भारतीय पुरातत्व ने आज तक यहाँ पर अपना ऑफिस नहीं बनाया है। तो आइए जानते हैं भानगढ़ के इस किले का इतिहास क्या है। यह इतना खौफनाक और भूतिया माना जाता है, यह सब सच है या फिर अफवाह फैलाई जाती है, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस रहस्यमय किले के बारे में। दोस्तों, इस भानगढ़ के किले का निर्माण हमीर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और इस किले के अंदर चारों तरफ लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक ऐसी अनहोनी हुई जिसके कारण इस किले की सारी खुशियां नष्ट हो गईं, और एक समय में कुशल नजर आने वाला यह किला आज भूतिया किला बन गया। लोगों के मन में इस किले का खौफ इस तरह बैठ गया था कि लोगों ने इसे छोड़ना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह किला और इसके आसपास का पूरा इलाका आज खंडर में बदल गया। यहाँ तक कि सैकड़ों सालों से यह किला आज तक वीरान पड़ा हुआ है, जो कि देखने में बेहद ही खौफनाक नजर आता है। इसके बारे में लोग यह भी बताते हैं कि इसके अंदर से लोगों की चीखने, चिल्लाने, रोने और घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। साथ ही बहुत से लोग यह दावा करते हैं कि रात के समय में जो भी इस किले में गया है वह फिर लौट कर कभी वापस नहीं आया, और यही वजह है कि दिन में भी बहुत से कम लोग इसके अंदर जाने की हिम्मत कर पाते हैं। आखिर ऐसे में मन में यह सवाल तो जरूर आता है कि आखिर इस किले के साथ में ऐसा क्या हुआ था जो इसे शापित और भूतिया माना जाने लगा। दरअसल इस किले का हॉन्टेड होने के पीछे का कारण लोगों के द्वारा एक नहीं कई अलग अलग कहानी बताई जाती हैं, लेकिन उन सभी में सबसे फेमस है, जिस पर लोगों द्वारा सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, वह है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तो उसमें बेहद खूबसूरत रत्नावती नाम की एक राजकुमारी रहती थी। उस समय रत्नावती की उम्र 18 साल थी और उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की वजह से अलग अलग प्रदेशों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे, जिसके चलते अक्सर ही राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आते रहते थे। लेकिन राजकुमारी रत्नावती ने किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। एक बार राजकुमारी कुछ खरीदने के लिए अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई हुई थी। बाजार में एक इत्र की दुकान पर रुकी और वहां से अपने लिए इत्र खरीदने लगे। इतने में ही उस दुकान के पीछे दूरी पर खड़े सिंघिया सेवड़ा नाम के एक व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी। सिंघिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को देखते ही एक ही नजर में सिंघिया सेवड़ा उन पर पूरी तरह से फिदा हो गया, और उसी पल उसने अपने मन में यह तय कर लिया कि वह राजकुमारी को किसी भी तरह से हासिल करके रहेगा। अब जबकि वह तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, इसीलिए उसने राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्र की बोतलों में से एक बोतल चुपके से उठाई और उस बोतल पर
कुछ तंत्र मंत्र करके धीरे से वापस उसी जगह पर रख दिया। दरअसल वह अपनी तंत्र विद्या की ताकत से राजकुमारी को पाना चाहता था और उसका यह प्लान काफी हद तक सफल भी हो गया था, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा भी नहीं था। और फिर राजकुमारी इत्र की शीशी लेकर अपने किले की तरफ वापस जाने लगी। साथ ही सिंगिया सेवड़ा छुप छुप कर राजकुमारी का पीछा करने लगा। हालांकि राजकुमारी कुछ दूर पहुंची थी, तभी उनकी एक सहेली ने उन्हें बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने सिंधिया सेवड़ा को उस शीशी पर तंत्र मंत्र करते हुए देख लिया था, लेकिन वह डर की वजह से उस दुकान पर कुछ नहीं बोल पाई थी। अब राजकुमारी को जैसे ही काले जादू की बात पता चली तो राजकुमारी ने वह शीशी जमीन पे पड़े एक विशालकाय पत्थर पर दे मारी। पत्थर पर लगते ही वह शीशी टूट गई और सारा इत्र पत्थर पर ही बिखर गया, जिससे उस इत्र पर किया गया काला जादू पत्थर पर आ गया और फिर वह पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते लुढ़कते सिंगिया सेवड़ा की ओर बढ़ने लगा। दरअसल सिंगिया सेवड़ा ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो भी उसे लगाता वह उसकी तरफ खिंचा चला जाता। अब जो कि वह इत्र उस पत्थर पर लग गया था तो वह पत्थर तेजी से सिंगिया सेवड़ा की ओर बढ़ने लगा और उस पत्थर ने बढ़ते हुए उस तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने यह श्राप दे दिया कि राजकुमारी सहित इस किले में रहने वाले सभी लोग एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेंगी। और फिर कुछ समय बाद भानगढ़ और उसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच में युद्ध छिड़ गया। अजबगढ़ की सेना बहुत ही शक्तिशाली थी, जिसके चलते उनकी सेना भानगढ़ के किले में घुस गई और किले में मौजूद सभी पुरुष और महिलाएं यहां तक कि बच्चों को भी मार डाला था, जिसमें कि राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई थी। और दोस्तों कहते हैं कि इस दर्दनाक हादसे के बाद ही यह किला श्रापित हो गया था और उस नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं इस किले में भटकती हैं। दरअसल आसपास रहने वाले लोगों को किले के अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और साथ ही किले के और जाने वाले लोगों की गायब होने की घटनाएं अक्सर आती रहती थीं। और दोस्तों इसके चलते ही आसपास रहने वाले लोगों ने भी अपनी बस्तियां छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए और देखते ही देखते यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। इसके अलावा दोस्तों इस किले को भूतिया होने की वजह एक और बताई जाती है कि जिस समय ये किला बनाया जा रहा था उस समय इस किले की जमीन के पास ही बाबा बालकनाथ नाम के एक साधु रहा करते थे। और जब बाबा बालकनाथ को इस किले को बनने की खबर मिली तो उन्होंने भगवान दास के पास यह संदेश भिजवाया कि वे अपने किले को इतना ऊंचा ना बनवाएं कि उसकी परछाई मेरी कुटिया तक पहुंच जाए। अब राजा भगवान दास ने बाबा की उस बात को गंभीरता से नहीं लिया और जब किला बनकर तैयार हुआ तो इसकी परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया तक जाने लगी। और दोस्तों उस परछाई को देखकर बाबा बालकनाथ क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और दोस्तों बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि भानगढ़ किले की हालत बाबा बालकनाथ के उस श्राप के कारण हुई है। इसके अलावा एक यह भी कहानी बताई जाती है कि भानगढ़ में एक बार युद्ध हुआ था जिसमें कि भानगढ़ के सिपाही पूरी तरह से हार गए थे, लेकिन राजा और उनके परिवार के दूसरे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहे थे। अब जो कि उन लोगों ने किले के अंदर अपना बहुत सारा खजाना छुपाए रखा था, इसीलिए दुश्मनों से बचाने के लिए उन्होंने एक झूठ फैलाया कि यह किला पूरी तरह से श्रापित है और अगर कोई व्यक्ति इस किले में जाएगा तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। और दोस्तों इस तरह से खजाने को बचाने के लिए फैलाई गई
अफवाह लोगों ने सच मान ली और भानगढ़ का यह किला हमेशा के लिए हॉन्टेड यानी कि भूतिया किला समझा जाने लगा। वैसे वजह चाहे जो भी रही होगी, लेकिन इस किले को भूतिया बनाने में हमारी सरकार का काफी हाथ रहा है। दरअसल कानून में भूत प्रेत विशाच और बुरी आत्मा जैसी किसी भी चीज को कोई जगह या फिर मान्यता नहीं दी गई है और आज तक कोर्ट ने कोई भी अपना फैसला भूत प्रेत को ध्यान में रखकर नहीं सुनाया है। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा उस किले के बाहर बोर्ड लगाकर लिखना कि इस किले में रात के समय में जाना मना है और भारतीय पुरातत्व को अपना ऑफिस यहां पर ना बनाना, यह सभी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हमारी सरकार भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत में विश्वास रखती है। और दोस्तों सोचिए, जब सरकार की तरफ से ही ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आम लोग तो इस किले को सच में ही श्रापित मानेंगे।